गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ ही होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने टॉपिक द राइज ऑफ नेसलिज्म इन यूरोप पर डिस्कशन कर रहे थे, और इसके हम ऑलरेडी टू टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुके हैं, रिवाइज्ड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट था तो फ्रेडरिक सेरियो की जो इमेज थी उसके बारे में, और सेकेंड जो टॉपिक था द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। अगला जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप का मतलब पूरा एंटायर यूरोप है। पहले हमने जो नेशनलिज्म के बारे में डिस्कशन किया था वो फ्रांस के बारे में था, और ये किसके बारे में? एंटायर यूरोप के बारे में, पूरे यूरोप के बारे में। क्योंकि हमने रीड किया था कि जो यूरोप है वो छोटी छोटी किंगडम्स, कैंटम्स और डेंसिटीज में डिवाइड था, डचेस में डिवाइड था, जिसका कंट्रोलिंग सेपरेटली स्मॉल जो किंग थे उनके हाथों में था। कहने का मतलब है सबका एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग था, चाहे वो हॉलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, जर्मनी हो, इटली हो, इन सब के बारे में हमने रीड किया हुआ है कि ये मोर देन किंगडम्स में डिवाइडेड था। जैसे कि जर्मनी के बारे में हमने रीड किया था, जर्मनी 39 स्टेट्स में, इटली 7 किंगडम्स में। ओके, इस तरह से एवरी जो यूरोप था, पूरा यूरोप, फुल यूरोप जो है छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था। ओके, तो यहां पर किस तरह से उन सब का यूनिफिकेशन हुआ, कैसे इंपोर्टेंट रोल प्ले किया, किसने इंपोर्टेंट रोल प्ले किया, कैसे नेशनलिज्म यूरोप के अंदर आया, तो सिंपल सी बात है, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने में तो इंपोर्टेंट रोल प्ले किसने किया है? फ्रांस ने ही किया है। ओके, तो आइए फर्स्ट जो पॉइंट है, जैसा हमने यहां पर स्टेटेड किया हुआ है, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, ये तीन कंट्रीज यहां पर हमने मेंशन किए हैं, वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ये तीनों कंट्री किसमें? किंगडम्स में डिवाइडेड थे। तीन ही नहीं बेटा, और भी बहुत ज्यादा है, डचीज एंड कैंटम्स, हुज रूल्ड हैड देयर ऑटोनोमियस टेरिटरीज, जिनका सबका अपना अपना एक आधिकारिक क्षेत्र था, सबका अपना अपना एक कंट्रोलिंग एरिया था, जिसमें किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं होता था। इंटरफेयर कब होता? जब वॉर या बैटल होते और विश हॉप होती कि हम उनके एम्परर को अपने कंट्रोल में करेंगे। क्लियर? सेकंड पॉइंट है, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। और इन सबकी सेपरेटली एवरीथिंग सेपरेट था, कल्चर भी, उनकी आइडेंटिटी भी, इवन लैंग्वेज भी उनकी अलग अलग थी। कहने का मतलब है यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज या किंगडम्स थे उन सबका अपना अपना कल्चर था, जिसकी वजह से उनको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्योंकि हमने आपको फर्स्ट जो टॉपिक जब कराया था तो उसमें बताया था कि फ्रेडरिक सेरियो की जो फर्स्ट पेज है उसमें जो उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है उसमें काफी सारे कंट्रीज के पीपल्स क्यू में लगे हुए, लाइन में लगे हुए हैं, और सबने अपना अपना फ्लैग और कस्टम्स यानी ड्रेस पहनी हुई है, जिसके ब्याह पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी कंट्रीज हैं, किंगडम्स थे, उनका कलेक्टिव शेयरिंग कुछ नहीं था, सबका अपनी अपनी आइडेंटिटी थी, सबके अपने अपने कल्चर्स और कस्टम्स थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द हब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। दैट मींस जो यहां पर हब्सबर्ग एम्पायर है, हब्सबर्ग एम्पायर पर जो रूल्ड किया है वो किसने किया है? हब्सबर्ग एम्पायर ने रूल किया ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर। दैट मींस ये एक ऐसा एम्पायर था यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर मेनली टू एम्पायर्स रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर और सेकंड वन रहा है हब्सबर्ग एम्पायर, और इसके अलावा किंगडम्स, कैंटम्स और डचीज ने रूल किया है, वो छोटे छोटे पार्ट्स को कंट्रोल करने वाले थे। मेनली टू ही एम्पायर थे, कौन कौन से? ऑटोमन एम्पायर और हब्सबर्ग एम्पायर। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है, द हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माइक्रा व्हाइल द अदर हाफ ऑफ द स्पोक वैरायटी ऑफ डायलैक्ट। कहने का मतलब है जो हंगरी के पीपल्स थे उनकी हाफ पॉपुलेशन वहां की जो माइक्रा लैंग्वेज है उसका स्पोकन करती है, और हाफ जो पॉपुलेशन थी वो डिफरेंट डायलैक्ट को यूज करने वाली थी। कहने का मतलब है जैसे हमारे यहाँ इंडिया है, इंडिया के अंदर तकरीबन 40% पॉपुलेशन हिंदी का स्पोकन करती है,
और 60% एक डिफरेंट डायलेक्ट को यूज करती है। उसी तरह से हंगरी में था, हंगरी के अंदर 50% पीपल्स माइग्रा लैंग्वेज को यूज करते हैं और रेस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट डायलेक्ट को यूज करती है। क्लियर। नेक्स्ट है, बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, जो यहां पर मेन डोमिनेंट ग्रुप हुए हैं, दीज देर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। और ये जो पीपल्स है, मेन जो थ्री एम्पायर्स थे, उन सब की अपनी अपनी बाउंड्रीज फिक्स थी और अपने बाउंड्रीज में ही रहते थे। अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? वॉर होगा, बैटल होगा। ओके, इन दैट रीजन जितने भी यहाँ पर ये मेन जो एम्पायर्स हुए हैं, मेन जो किंगडम्स हुए हैं, ये थ्री ग्रुप्स जो हुए हैं, वो अपने अपने ही एरिया में अपनी अपनी बाउंड्री में ही लिविंग करते थे। नेक्स्ट नंबर सिक्स पॉइंट है, द ओनली टाई बाइंडिंग दीज ग्रुप्स टूगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर। अगर हम इन लोगों के अंदर कोई कॉमन चीजें देखें तो कॉमन चीजें सिर्फ एक ही थी कॉमन पीपल्स की, और वो थी एलिगेंस, आरोप प्रत्यारोप लगाना। सभी लोगों के अंदर अगर कॉमन चीजें थी तो सभी अपने एम्परर के ऊपर एलिगेंस लगाते थे, अदरवाइज उनमें कोई कॉमन चीजें नहीं थी। एवरीथिंग डिफर था, अलग जगह पे रहना, लैंग्वेज अलग, कस्टम अलग, सब कुछ अलग था। लेकिन अगर हम कॉमन चीजों का बात करें तो कॉमन चीजें क्या थी? सिर्फ एम्परर के ऊपर एलिगेंस थोपना। आया समझ में? तो इस तरह से बेटा यहाँ पर नेशनलिज्म की जो स्टार्टअप है वो यूरोप के अंदर हुई, क्योंकि जो कॉमन पीपल्स है स्पेशली मिडिल क्लास, वो इन एम्पायर्स के वर्क से सेटिस्फाई नहीं थी। इन दैट रीजन उन्होंने अपने खुद के ग्रुप्स बनाए अपने कंट्री को यूनिफाइड करने के लिए, जिसमें हमने फ्रांस के बारे में भी रीड किया है कि मिडिल क्लास ने कई सारे क्लब बनाए, उनमें सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब, और जैकोबिन क्लब ने ही फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन को लीड किया। और फाइनली जैकोबिन क्लब के जो मेन लीडर थे वही क्या बने? कंट्री के प्रेसिडेंट बने थे। क्लियर। उसी तरह से इटली में भी हुआ, जर्मनी के अंदर भी हुआ यूनिफिकेशन, वो आगे प्रोसेस में हम कंटिन्यू जब रीड करेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, एक और टॉपिक कर लेते हैं। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? राजशाही परिवार होता है, और मिडिल क्लास का मतलब मध्यम वर्ग के लोग, जिसमें बिजनेसमैन, एजुकेटेड, ओके, या फिर हम कह सकते हैं जो अपने आप को इनसे अलग मानते हैं, ना वो लोअर क्लास में आते हैं ना ही वो रिच के कैटेगरी में आते हैं, मिडिल क्लास की कैटेगरी में, जिसमें हम बिजनेसमैन भी है, ट्रेडर्स भी है, टीचर्स, लॉयर्स, ये सब उस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, जो अपनी सोसाइटी को एक डिफरेंट फॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इनको रीड करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो कि एरिस्टोक्रेसी फैमिलीज को डिफाइन करता है, और सिंपल सी बात है, एरिस्टोक्रेसी जो फैमिली होती है उनके नंबर्स क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, क्योंकि कंट्री के अंदर राजशाही परिवार कितने होते हैं? एक, दो, तीन सिर्फ, और उनके फैमिली मेंबर्स 100 हो गए, 200 हो गए सबको मिलाकर। तो इस तरह से उनके नंबर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन वही कंट्री के अंदर क्या करते हैं? डोमिनेंट करते हैं। और इन जो राजशाही एरिस्टोक्रेसी फैमिलीज की जो टाई होती है, एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं? मैरिज कनेक्शन से। एक दूसरे के कंट्री या फिर जो एक दूसरे किंगडम्स थे वो आपस में जुड़ने का मेन कारण क्या है, क्या तरीका था? मैरिज, एक दूसरे के साथ मैरिज करना, और क्या हो जाता है? फिर टाई हो जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट है, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास। पूरे कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड में जो डोमिनेट किया था स्टार्टिंग में, वो किसने किया है? एरिस्टोक्रेसी फैमिलीज ने किया, राजशाही परिवार ने किया है ऑन द कॉन्टिनेंट, एंड देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाई इफ मैरिज। और उनकी फैमिलीज की जो कनेक्टिविटी होती किसके थ्रू है? मैरिज के थ्रू है। और दूसरा बेटा, इनके नंबर्स भी बहुत कम थे, ऐसा नहीं है कि इनके नंबर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक कंट्री के अंदर, या फिर हम अपने कंट्री की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कितने किंगडम्स थे? लिमिटेड ही थे, और उनके फैमिली मेंबर्स ही एरिस्टोक्रेसी में आते, बाकी तो सब क्या है? कॉमन पीपल से, मिडिल क्लास, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं, और उनको वो प्रिविलेज या कह सकते हैं फैसिलिटीज नहीं दी जाती जो एरिस्टोक्रेसी फैमिलीज को दी जाती है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है जो कि डिफाइन करता है न्यू मिडिल क्लास को, न्यू मिडिल क्लास कौन थे? बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और एजुकेटेड मेंबर्स।
जो अपना ही एक ग्रुप बनाते हैं, अपना अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं और एरिस्टोक्रेसी फैमिलीज की प्रिविलेजेस को बायकॉट करते हैं कि भाई इनको जन्म के आधार पर वो सब सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है इन इट्स वैक, इनमें से कुछ ऐसे लोग उभर के आए, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जिनमें से मोस्ट ऑफ क्या थे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थे, काम करने वाले लोग, एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। इन सब ने मिलकर क्या बनाया, मिडिल क्लास को बनाया। प्रोफेशनल्स में कौन होते हैं, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब किस में आते हैं, प्रोफेशनल्स में आते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड, इनमें एजुकेटेड भी थे, लिबरल्स मिडिल क्लास भी थे। लिबरल्स का मतलब क्या, जो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के ब्याह पर पीपल्स थ्री टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप, थ्री टाइप्स, जिसमें फर्स्ट लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, ये थ्री टाइप्स के पीपल्स होते हैं। इनकी आइडियोलॉजी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। एक ग्रुप ऐसा होता है जो सिस्टम को चेंज करना चाहता है, दूसरा ऐसा ग्रुप होता है जो चेंज तो करना चाहता है लेकिन स्लो पेस के अंदर कुछ धीरे धीरे बदलाव चाहता है, और थर्ड ग्रुप जो कंजर्वेटिव्स है वो सोसाइटी को बदलना ही नहीं चाहता है, कि जो सिस्टम चला आ रहा है, जो प्रिविलेजेस क्लासेस को मिली हुई है वो मिलती रहनी चाहिए। ओके, लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलरिटी। और लिबरल्स तो चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस मिली हुई है एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को, उन सबको अबलाइज्ड किया जाए, खत्म किया जाए। ओके, और रेडिकल्स तो पूरे सिस्टम को ही चेंज करना चाहते थे, कि इनको बदल देना चाहिए बड़ी स्पीडली। और कंजर्वेटिव्स कौन है, जो अपनी सिस्टम को, परंपरावादी सिस्टम को बदलना नहीं चाहते। क्यों, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके प्रिविलेजेस क्या होती है, खत्म हो जाती है। समझ में, तो इस तरह से बेटा यहाँ पर हमने मेनली टू टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है, इनको सही ढंग से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसी हुई, किस तरह से हुई, और सेकंड था हमने एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में डिस्कशन किया है। तो इनको एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना, क्वेश्चन भी लिखवा रखे है, उन सबको प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, तो अपने घर पे सुरक्षित रहिए, पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। ओके, गुड बाय।